नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। सरकारी हॉस्पिटल में टाका कटाने के लिए पेशेंट को खरीदना पड़ता है ब्लड और दवाई। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हेतु सरकार द्वारा इन दिनों कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलता देखा जा रहा है। आज शहर से लेकर गांव तक, उप स्वास्थ्य समिति से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मूलभूत सुविधाओं हेतु आधुनिक उपकरणों की भी व्यवस्था की गई है, ताकि लोग अब गाँव में रहकर भी बड़े से बड़े रोगों से छुटकारा पा सकें। परंतु इन मूलभूत सुविधाओं में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ग्रहण लगाने का काम किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला बुधवार को मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखा गया, जहां इलाज के लिए आई महिलाओं से ही टांका कटाने के नाम पर ब्लेड और दवाई बाहर से मंगवाते देखा गया। इस बात को लेकर जब पीड़ित परिवार के परिजन विरोध किया, तो ड्यूटी पर तैनात ANM ने कहा कि लेट तो आपको बाहर से ही लाना होगा, जितने भी पेशेंट आते हैं ब्लेड बाहर से ही लाते हैं और दवाई भी आपको बाहर से ही लानी होगी। सवाल ये उठता है कि सरकार द्वारा करोड़ों खर्च करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो सुविधा मुहैया कराई गई है, उसका सदुपयोग होगा या नहीं, या फिर ऐसे ही बाहर से दवाई लाकर अपने स्वास्थ्य में सुधार किया जाएगा। इस संदर्भ में जब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उपेंद्र सिंह को वीडियो दिया गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं है। अगर किसी पेशेंट के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है, तो इसकी सत्यता की जाँच कर NMA के ऊपर जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ब्लेड आपके पास नहीं है ना? आपके पास ब्लेड नहीं है ना? ब्लेड कहाँ से लाते हैं? कहाँ से लाइएगा आप? ठीक है ठीक है, आपके पास ब्लेड नहीं है ना? टांका काटने के लिए आपके पास ब्लेड नहीं है, वो हम ला के दे आपको। कुछ भी नहीं है, हर एक चीज उपलब्ध है। अगर ANM ने इस तरह बोला है, तो उस पर जो है मैं तुरंत जो है वीडियो देखा हूँ और मैं एक जांच टीम बना दिया हूँ, और दो दिनों के अंदर उनके रिपोर्ट के बाद मैं उन पर कठोर कार्रवाई करूँगा। जो भी सख्ती होगी, जिससे होती हमारे हॉस्पिटल का छवि जो है आम जनता में खराब होता है। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है, तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।